हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनियनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनियनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों की, मतलब 10 डेज के विंटर हॉलीडेज़ के बाद आज जो है अवनियनिका का स्कूल ओपन हो रहा है। तो आज फर्स्ट डे दोनों स्कूल जाने वाली हैं 10 डेज़ के बाद में। तो बस मैंने इस तरह से सॉक्स, बेल्ट, जो भी चीज़ें हैं उनको निकालना थी, मतलब जो भी पहनना है अभी स्कूल जाते टाइम, तो वो मैंने निकाल लिया है। और बस ड्रेस काफ़ी टाइम से धुल के रखी हुई थी, तो बस अब इसमें प्रेस करना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा, जब तक ये भी रेडी हो रहे थे, टाइम था, तो बस मैंने कहा पहले इन लोगों की ड्रेस में प्रेस करके रख देते हैं और फिर मैं इनका ब्रेकफास्ट जाके बनाऊंगी। और क्योंकि इनको भी निकलना होगा तो साथ साथ में इसलिए दोनों की स्कूल की मतलब तैयारी भी मैं करती ही जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रेस कर देती हूँ। अब प्रेस हो गया है ड्रेस में और अब इस तरह से मैंने देखिए शूज़ निकाल के पॉलिश करके रख लिए हैं, बैग रेडी कर लिया है अच्छे से एक बार और बॉटल भर के रख लिए। लंच अभी तैयार करना है, देखती हूँ क्या बनाना है इन लोगों को। और बस इतनी ही देर में ये भी रेडी हो गए हैं और ये ऑफिस के लिए अपना निकल गए हैं। अब मैं जो है इन दोनों को उठाऊँगी। तो देखिए दोनों कितने आराम से अभी सो रही हैं। बस चलिए अब मैं इनको उठाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अवनी और अनिका दोनों उठ चुकी हैं, ब्रश कर लिया ये देखिए, और अनिका दोनों का ब्रश हो गया है, फ्रेश फ्रेश उठी हैं, बहुत अच्छे मूड से ही उठी हुई हैं दोनों जन। और वैसे वो लोग उठ जाती हैं, मतलब 9:15 9:30 तक उन उठ ही जाती थी दोनों जन। आज थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा, ये देखिए 8 o'clock से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और आज हमने ये रूम हीटर भी निकाल लिया है, तो अब इनको मैं रेडी करती जाऊंगी और इसको ऑन कर दिया है तो दोनों को अच्छा भी लग रहा है। लग रहा है थोड़ा गर्म, हाँ अच्छा लग रहा है, ठंडा तो नहीं लग रहा। तो इन रूम हीटर चला के मैं इनको रेडी करूंगी। कल ही हमने इसको निकाला हुआ है और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो बस इनको अब मैं रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ पहले तो और फिर रेडी करूँगी। और मौसम भी है ना आज थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, मतलब ज़्यादा कोहरा फॉग आज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ठीक है मौसम। तो चलिए इनको मैं फटाफट से अब रेडी करती हूँ, इनका ब्रेकफास्ट लाती हूँ और फिर इनको रेडी करूँगी। बाकी तो सारी तैयारी मैंने आपको दिखा ही दी है, ये इस तरह से सब तैयार करके रखा ही हुआ है उनका। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट कराते हैं अब इनको। तो फ्रेंड्स, अवनियनिका का देखिए रेडी हो गई और अब मैं अब जा रही हूँ, बस इनको मैं स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। तो आप बाय बोल दो। कैसा लग रहा है आज इतने स्कूल जाके बहुत दिनों बाद? अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है आपको? अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम इनको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम मैं आ चुकी हूँ अवनियनिका को स्कूल छोड़कर। तो दोनों स्कूल चली गई हैं और रात में ही तीनों ने, अमन, अवनियनिका, तीनों ने फरमाइश कर दी थी कि आज छोले बनाना, छोले भटूरे बनना है उनके लिए। तो बस मैंने छोले जो हैं खिला दिए हैं और अब मैं लगूंगी उनके लंच की तैयारी में। तो सबसे पहले तो मतलब मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ पूजा करके, फिर मैं उनका लंच तैयार करूँगी। तो आज उनके लिए बनने वाला है छोले और भटूरे। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये छोले और एक दो आलू इसमें बॉईल कर दिए हैं और फिर ये मैंने जो है ऑयल इसमें गरम होने रख दिया है कढ़ाई में। और ये सारे मसाले जो मुझे इसमें डालना है छोले की सब्जी में, ये लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, और इसमें है इलायची, काली मिर्च, लौंग, जीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं पहले थोड़ा सा इसमें फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर जब तक ये कुकर भी हमारा ठंडा हो जाएगा, छोले जो मैंने बॉईल किए हुए हैं, चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। तो जब ये थोड़ा सा पिंकिश सा हो जाएगा हमारा मखाने जो मसाला है, तो बस हम इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिक्सी में मैंने मसाला अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया हुआ है। और फिर जो है ये कुकर भी ठंडा हो गया है, तो ये देखिए छोले कितने अच्छे से उबल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। क्योंकि छोले में अगर आप
जब आप इनको बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो अगर आप इसमें जो है थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ये। तो हमको इसको नमक डाल के ज़रूर बॉईल करना चाहिए, और थोड़ा सा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसको आप डाल दीजिए। तो इन दोनों को डाल देने से ये एकदम सॉफ्ट रहते हैं, और मसाला भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए हमारा टेक्सचर इसका। बस कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब मैं मसाले को अच्छे से भून के इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो हम डाल लेंगे, और बस हमारी छोले की जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम फटाफट से मसाले को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ही ब्राउन फ्राई करना है हमको, और फिर इसके बाद ही हम इसमें छोलों को डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी भुंज रहा है, और बस ये इसमें मैंने बेसिक मसाले वगैरह डाल दिए हैं, और इसको अभी हमको और अच्छे से फ्राई करना है। जब तक इसमें थोड़ा सा डीप कलर नहीं आ जाएगा ब्राउनिश, जब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब हमारा जो मसाला है वो कितना अच्छा ब्राउनिश कलर का हो गया है। तो बस अब हम इसमें छोले डाल देंगे और हमारी जो सब्जी है रेडी हो जाएगी। एंड मैं कसूरी मेथी, तो बस रेडी हमारे छोले की सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी छोले की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी लग रही है। ज़्यादा मतलब अभी गर्म है तो धुआं बहुत दिख रहा है, पर हाँ पूरी अच्छे से हमारी ये सब्जी बनके रेडी अब हो चुकी है। अब नैनी का आ गई। एक एक करके उतरो। आ गई। कैसा रहा स्कूल में फर्स्ट डे है छुट्टी के बाद? कैसा रहा स्कूल? अच्छा। 10 दिन बाद गई, छुप रही है एक। कैसा लगा स्कूल में आज? ये टोपा ऐसी पहनी हो, सुबह से ही पहनी हो? उतार दो। पहले बताओ स्कूल में कैसा लगा? नहीं, नहीं बताओगी? आप बताओ कैसा लगा स्कूल? अच्छा बोली। चलो ठीक। और दादा को नहीं लाई? उसी में से स्कूल से मिली है। अरे काय के लिए? दो सी में से चॉकलेट। चॉकलेट दादा को भी दो, फिर वो तो देता आपको। नहीं खाना छोड़ दो हमको। नहीं दे दो, आप दे दो अपने हाथ। इतने अच्छे से लोरी गागा के सुलाया कल रात में दादा। अरे पूरी आवाज आ रही थी, इतने अच्छे से गा रहा था लोरी। क्यों मिली चॉकलेट? किसी का बर्थडे था? अच्छा अच्छा, आज स्कूल खुला काफी दिन बाद, तो थोड़ा बच्चों को अच्छा लगे है ना। और ये डस्टबिन है देखो जरा, यहाँ पे रख दिया गया है कचरा सब। मम्मा जी धोती में। हाँ मम्मा जी धोती है ना। धोती हम बोल रहे थे मम्मा से। क्या क्या बोल रहे थे? खाने में क्या होना? नहीं तो खाने में क्या होना? क्या बोल रहा था? छोले आज दादा ने। अब पूरी बनाऊंगी, दादा बोला था छोले बनाना। वेरी गुड। अरे वहां से कितने खाते तुमने? छोले छोले और आपने नहीं किया? आप खाई नहीं हो क्या? क्यों नहीं खाई? हाँ पूरा वैसे ही रखा हुआ है। क्यों नहीं खाया? ये आपका, ये निकाल लाइए। इसने पूरा फिनिश किया है, आपने नहीं किया। फेंक तो दिया है ना। फेंक तो दिया। हाँ देख लिया। हाँ गाइस देख लीजिए गाइस, अभी हाँ इनका देखिए, ये अभी खा रही है। चलो फटाफट अब चेंज करते हैं और फिर लंच दूंगी। क्या बनाया है आज? छोले पुनिया। हाँ छोटी छोटी चाहिए कि बड़ी बड़ी वाली? कैसी चाहिए?
अरे बाबा रे, इतना प्यार। तो कल रात में दादा के पास सोई थी और दादा ने बहुत अच्छी लोरी गा के सुनाया है। कौन सी लोरी गा रहा था दादा, कौन बताएगा मुझे क्या गा रहा था? लोरी 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 लोरी। अरे अरे ठीक है दादा, चेंज कर देती हूँ। निखा के लिए लंच बन गया है, पूरी बढ़िया गरम गरम सेक दी है। कैसा लग रहा है छोला? अच्छा। और आपको? अच्छा अच्छा। हाँ ये तो बोली नहीं, हाथों से इशारा कर रही है बस। ठीक है चलिए, ये दोनों खा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अब निखा अभी आ गई है डांस क्लास से, और आज मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी तो हम डांस का वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए अब वो देखिए क्या कह रही है घर आके, क्या क्या करना पड़ा है आज उसको। सबसे पहले क्या किया? कहाँ ट्यूशन पढ़ाई भी करी तो पढ़ाई, मतलब तीन चीज हो गई है ना। अरे बाप, तो आज आज से स्कूल ओपन हुआ, फिर आके लंच करके पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद कहाँ गई? डांस क्लास गई। अब डांस क्लास से आई है तो अब बस हाफ एन आवर से भी कम बचा है। ये देखिए आप, सबसे 20 मिनट्स बचे हैं, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तो फटाफट से अब इनको मैं कुछ खिला देती हूँ और उसके बाद फिर दोनों को ट्यूशन जाना है। ठीक है चलो जल्दी से बाय करके। हाँ अनिका ये मोबाइल लेके बैठ गई है, बिना मोबाइल बाय नहीं करना है, खा लो पहले, अभी जाओ चलो। अरे टाइम हो रहा है तो आज वॉक पे आए हैं जब हम, तो मैं ये हमारे कैंपस में काफी टाइम से ये सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ये बना हुआ है, तो वो काफी टाइम से बना हुआ है, आज मैं आपको दिखा पा रही हूँ। क्योंकि हाँ मैं इतने दूर तक कभी वॉक पे आई नहीं हूँ, या इस साइड बहुत कम होता है आना, तो आज हम थोड़ा लंबा आ गए हैं वॉक करते हुए। और इसको ना पूरा ये देखिए इस तरह की जालियों से कवर किया हुआ है कि जिसमें कोई डायरेक्ट इस मतलब इसके पास ना चला जाए, तो इस तरह से जाली से इसको कवर कर दिया गया है। और बस जो है ये ऐसे ही प्लेट्स जैसे बनी हुई हैं, इसमें सन की रेज जब आके पड़ती है, सोलर एनर्जी का तो सबको आइडिया है ही, पता ही है, तो बस यही इसके प्रोसीजर्स के थ्रू जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इससे जो कैंपस के जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं और ये सब उसके थ्रू ही जलती है। तो बस ये देखिए, मैंने कहा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ये भी नई चीज़ हमारे कैंपस में बनी हुई है। तो आज काफ़ी लंबा हम वॉक करते हुए आ गए हैं और आपको इस तरह से पूरा दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है, अंधेरा होने के कारण उतना दिख नहीं पा रहा है। तो बस यही है एक अच्छा सा चीज़ हमारे कैंपस में जो अभी बनी हुई है, अभी नहीं काफ़ी टाइम से मतलब बना हुआ ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला। तो ये देखिए आज मैंने आपको ये भी अपने कैंपस की एक नई चीज़ दिखाई है। तो फ्रेंड्स आज का हम अपना व्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो तुरंत जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।